लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन मतदाता कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन मतदाता कर्मियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम बिशप जॉनसन स्कूल में भी आयोजित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 दिनों के भीतर लगभग 11,500 पीठासीन अधिकारियों और मतदाता अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें मतदाता पहचान, मतदान मशीनों का उपयोग और मतपत्रों की गिनती शामिल है। प्रशिक्षण के बाद इसी के परिप्रेक्ष्य में एक ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, ताकि पता चल सके कि अभी तक कितने मतदान कार्मिक प्रशिक्षित हुए हैं। अगर कुछ मतदाता कर्मिकों में कमियां पाई जाएगी तो उनको पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण मतदाता कर्मियों को चुनाव को सुचारू रूप से और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जो भी मतदान कार्मिक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बिशप जॉनसन एवं मैरी लुकस जो 2 विद्यालय हैं उनमें दिया जा रहा है। लगभग प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक दिन 1920 के करीब कर्मचारी हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लगभग पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी जो हैं 11,500 हैं, जिनको कल, आज और आने वाला जो कल है 18, 19, 20, इन 3 दिनों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रयास यही है कि सभी तन्मयता से प्रशिक्षण में जो बताया जा रहा है उसको सीख लें। इसके दृष्टिगत एक परीक्षा का आयोजन भी अंत में किया जा रहा है। तकनीक के माध्यम से गूगल ड्राइव पे एक परीक्षा ली जाती है 10 मिनट में, जिससे हमें पता लग सके कि क्या परफॉर्मेंस लोगों का आ रहा है। और उसमें जो भी कुछ कर्मचारी ऐसे आएंगे जो मानक के अनुरूप परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका एक रेमेडियल प्रशिक्षण दोबारा कराया जाएगा, ताकि उन चीज़ों में सुधार कर सकें जो चीज़ें वो अच्छे से नहीं समझ पाए हैं।